हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन सर्वा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑन प्रेशर एंड डेंसिटी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन इंसुलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, एरिया ऑफ द बॉटम सर्फेस, नेचर ऑफ द लिक्विड। तो आपको कंसेप्ट बताया गया है, वन लिक्विड वन लेवल हैव वन प्रेशर। तो ऐसे में एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब एक ही लिक्विड है, एक ही लेवल है, अगर ऐसा है तो बेस के एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, यही कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। देखिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये डिपेंड करता है, ऊपर नीचे जाने पर प्रेशर चेंज हुआ है आपने देखा होगा, और हाइट ऑफ द लिक्विड बॉटम, तो लेवल जितना ज्यादा होगा बेस पर उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा, इस पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द लिक्विड, अलग अलग लिक्विड होंगे तो उनकी डेंसिटी अलग अलग होगी, तो जाहिर है कि उनका क्या होगा, प्रेशर भी क्या होगा, अलग अलग होगा, तो इस पर भी डिपेंड करता है। केवल वन लिक्विड वन लेवल हैव सेम प्रेशर, तो ये कॉन्सेप्ट अगर है तो इसके आधार पर ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर दो देखा जाए। व्हाई द डैम ऑफ वाटर रिजर्वियर इज थिक एट द बॉटम। तो जो डैम बनाया जाता है विद्यार्थी, उसका नीचे का जो बेस होता है वो चौड़ा बनाया जाता है। चौड़ा इसलिए बनाया जाता है कि वाटर अपने डेप्थ के साथ उसका प्रेशर इंक्रीज करता जाता है, और प्रेशर इंक्रीज के इफेक्ट को कम करने के लिए ही बेस जो है चौड़ा बनाया जाता है। तो उसका आंसर आपका ये होगा, प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीज विद डेप्थ, तो डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए ही वो थिक बनाया जाता है, जो डैम बनाया जाता है नीचे क्या बनाया जाता है, चौड़ा बनाया जाता है, ताकि प्रेशर जो बढ़ रहा है उसके इफेक्ट को खत्म किया जा सके। तो हाँ विद्यार्थी, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, यहां पे हो गया, अब हम लोग सॉल्व करने वाला क्वेश्चन लगाएंगे, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में विद्यार्थी ये है आपका, कोई ट्यूब है और उसमें वन मीटर लेंथ पर वाटर भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, यहां का प्रेशर पी नॉट है और यहां का प्रेशर आपसे पूछा है, ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर बेंड है, झुका हुआ है, ये वर्टिकल हाइट एच दिया है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट होगा। यस, तो जो कॉन्सेप्ट है विद्यार्थी, पी इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी, और एच हमारा क्या है, वर्टिकल हाइट, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां वन रख दिया गया है, यहां टू रख दिया गया, ये भी गलत है, और पी इक्वल टू पी नॉट तीसरा वाला ये भी एकदम गलत है, ये भी गलत है आपका, ये भी एकदम गलत हो रहा है, ये भी एकदम गलत हो रहा है, तो सही कौन हो रहा है, ऑप्शन सी, ये कह रहा है कि यहां पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, ये भी आपका गलत हो गया, तो ये आपका सही है। तो ये आपको वर्टिकल हाइट की जरूरत पड़ेगी 30 डिग्री एंगल वाले के सामने की साइड हाइपोटेनियस का हाफ होता है, यस, तो ये हो जाएगा कितना, एच इक्वल टू 1/2, तो इस आधार पे ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, ये आया कहां से, अगर कोई जानना चाहे तो यहां पे लिख दे, साइन 30 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है एच, हाइपोटेनियस है 1 मीटर, तो साइन 30 मान है 1/2 इक्वल टू एच अपॉन 1, तो एच कितना आया 1/2, यही यहां पे लिखा गया है। तो हो गया क्वेश्चन थ्री, तो आप इस पर ध्यान देंगे, सतर्क रहेंगे, या हो सकता है यहां 60 दे दे, ये एंगल ही ना दे, तो ऐसे केस में आपसे पूछा जाए तब भी आपका ये क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर फोर पर गौर किया जाए। ए यूनिफॉर्म टैपरिंग वेसल इज फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 900 kg per meter cube. The force that acts
ऑन द बेस ऑफ द वेसल ड्यू टू द लिक्विड इज, कि ये लिक्विड जो है यहाँ पे कितना फोर्स लगा रहा है ये आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग जो है कंसेप्ट जानते हैं, प्रेशर इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो ऐसे केस में हम लोग यह परपेंडिकुलर भी फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा एरिया। तो ये बेस है हमारा, कहां पे ये बेस है आपका, तो बेस वाला एरिया लिया जाएगा और हाइट भी हमको दिया है। तो P इक्वल टू होता है रो जी एच इंटू ए। अब यहां पे वैल्यू को रखा जाए, रो मतलब इस लिक्विड की डेंसिटी वो दिया है 900, जी वो भी 10 दिया गया था क्वेश्चन में ही, जी कितना था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये दिया गया है, और एच आपका कितना दिया 0.4 और एरिया आपका बेस वाला ये है ही है 2 × 10⁻³। इसी का कैलकुलेशन करना है। तो यहां देखें 10, 20, 30 और 3 ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 × 9 = 72, 7.2 इतना आया न्यूटन फोर्स। इस आधार पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। हाँ विद्यार्थी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने के लिए हमें बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, इसलिए हम लोग पहले बैरोमीटर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। तो बैरोमीटर, तो ये जिस कॉन्सेप्ट पर वर्क करेगा वो है प्रेशर एट सेम हाइट मस्ट बी सेम इन सेम लिक्विड। यस, ध्यान दें, तो ये आपका वेसल हो गया जिसमें आपका लिक्विड भरा हुआ है, एचजी भरा हुआ है। एक आप लेते हैं ट्यूब लेते हैं और उस ट्यूब में हम लोग वैक्यूम पैदा करते हैं किसी तरीके से। तो वैक्यूम में यहां पे प्रेशर क्या है, जीरो है, उल्टा करके लिक्विड में डाल देते हैं। तो जब यहां वैक्यूम रहेगा तो जाहिर है कि यहां भी प्रेशर, बी पर भी प्रेशर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जबकि सेम लेवल पर प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम, जैसे ए पॉइंट पे पी नॉट है तो बी पॉइंट पे भी पी नॉट रहना चाहिए। यस, अब क्या किया जाए, अब यहां यहां देखिए प्रेशर क्या है, यहां जीरो है क्योंकि यहां वैक्यूम है, कोई एयर नहीं है, तो वहां पे यहां भी प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा वैक्यूम की वजह से। यहां पे प्रेशर की कमी आ गई, प्रेशर की कमी को पूरा करने के लिए ही एचजी जो है ऊपर आपका चढ़ जाएगा, और वो मान लेते हैं कितनी हाइट तक गया है, एच हाइट तक गया है। यस, तो अब यहां भी बी पॉइंट पर भी प्रेशर पी नॉट के क्या हो गया, बराबर हो गया। ये चीज है यहां पे। अब देखिए यहां पे तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी, और पी ए ये एयर के संपर्क में है, जाहिर है कि यहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, उसे पी नॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पी बी के स्थान पे यहां पे प्रेशर आपका जीरो है, तो जीरो प्लस और हाइट की वजह से यहां पे प्रेशर रहेगा रो जी एच, या एच रो जी लिखा है यहां पे। तो हाइट इक्वल टू, यहां से आप निकाल सकते हैं कि कितनी हाइट तक जो है लिक्विड चढ़ा है, राइज किया है, तो एच इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट अपॉन रो जी फॉर बैरोमीटर। अगर बैरोमीटर के लिए सवाल है तो मैक्सिमम हाइट का ये फार्मूला लगाएंगे। मान लेते हैं कोई सुपरमैन है या कोई मिल गया फिल्म का जादू है, तो इतना शक्तिशाली है, तो कोई पाइप ले ले, पाइप की सहायता से पानी को खींचे ऊपर, ऐसा कोई कर जाए तो देखो चाहे जो हो कोई भी मनुष्य हो वो जो है यहां पे मुंह से पाइप या पानी खींचकर यहां वैक्यूम पैदा नहीं कर पाएगा, वैक्यूम पैदा करना इतना आसान नहीं है। यस, तो यहां पे प्रेशर जीरो नहीं हो पाएगा, तो यहां पे प्रेशर जीरो नहीं होगा, जो यहां प्रेशर होगा वो यहां भी होगा, तो जाहिर है यहां पे चेंज इन प्रेशर लिया जाएगा,
यहां पर चेंज इन प्रेशर लिया जाएगा। तो फॉर एक्स्ट्रा तो एच इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन रोजी प्रयोग करना होगा। यहां पर भी चेंज इन प्रेशर है लेकिन बायरोमीटर के केस में क्या है, यहां वैक्यूम होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर जीरो होगा, तो जो कुछ है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। अब देखा जाए, अब ये अगर एचजी है तो ऐसे केस में देखते हैं कि क्या आंसर आता है, हाइट क्या आता है इसकी। तो एचजी का जो डेंसिटी होता है रो एच 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू हम जानते हैं 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। रो यहां पर रख दिए, जी हम 10 जानते हैं, तो यहां से कैलकुलेशन करने पा रहा है 0.76 मीटर ऑफ एचजी। ये तो इतना हाइट तक जाता है अगर एचजी लिए हैं तब। ये मीटर में आ गया, सेंटीमीटर में यही आंसर चाहते हैं, तो 100 से क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, 100 से प्रोडक्ट करेंगे तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। मिलीमीटर में चाहते हैं तो इसमें 10 से और प्रोडक्ट करेंगे तो 760 mm ऑफ एचजी हो जाएगा। तो ये तीनों वैल्यू आपको जानना चाहिए। तो ये हाइट ही है किसके लिए, एचजी के लिए। ध्यान दें, मान लेते हैं कि जो बैरोमीटर बनाया गया है इसमें जो लिक्विड प्रयोग किया गया है, अगर वो वाटर प्रयोग किया गया होता तो क्या आता। तो वाटर प्रयोग किया गया होता और यहां वैक्यूम हम पैदा कर देते, फिर भी हाइट क्या आती। देखिए वाटर के लिए हमने कोशिश किया है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अभी वही रहेगा 1 × 10⁵, क्योंकि हम मान रहे हैं कि वाटर अगर लिए हैं तब भी यहां हमने वैक्यूम पैदा किया है। यस, और वाटर की डेंसिटी कितना होती है 1000 किग्रा पर मीटर क्यूब और जी आपका 10 है। तो यहां आ रहा 10 मीटर, और 10 मीटर कितना होता कभी फील किया है आपने, 1 मीटर में होता है 3 फुट 3 इंच, इतना होता है। तो 10 × 30 3 फ्लोर मकान जो आपका होता है उससे ज्यादा हाइट का आपका ये ट्यूब होना चाहिए। अब बताइए बैरोमीटर कहां लगेगा। तो यहां पे वाटर प्रयोग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये बहुत लंबी परख नली लगानी पड़ेगी। 4 फ्लोर का मकान जितना हाइट तक रहता है उतनी हाइट तक करीब ये जाएगा, आप जान लीजिए इतनी लंबी आपका ये ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए यहां पे वाटर प्रयोग नहीं किया गया है। और पारे की डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा होती है, बहुत गाढ़ा होता है, ये फ्रिक्शनलेस होता है, ये दीवारों पर चिपकता नहीं है, तो सब बहुत खूबी है। इसीलिए बैरोमीटर में यहां जो लिक्विड प्रयोग किया गया है वो पारा ही है। अगर वाटर होता तो कितनी ऊंचाई तक जाता, 10 मीटर तक जाता। लेकिन न्यूमेरिकल जो आपको आया है वो ज्यादातर इस कॉन्सेप्ट पाया है, एक्स्ट्रा के द्वारा पानी खींचा जाता है। जब पानी खींचा जाएगा तो यहां पे हम यहां का प्रेशर जीरो नहीं होगा, तो चेंज इन प्रेशर हम वहां पर लिखेंगे उस लिक्विड के लिए। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। व्हेन ए लार्ज बबूल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लेक टू द सरफेस इट्स रेडियस डबल्स इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ कॉलम ऑफ वाटर हाइट एच देन द डेप्थ ऑफ लेक इज। यहां पे ये चीज देखा जाए, वो कह रहा है इतना लिक्विड है, ये हम मान ले रहे हैं हाइट क्या है, स्मॉल एच है। यस, और यहां पे एक बबूल है और ये जब सरफेस पे जाता है तो इसका रेडियस पहले से क्या हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। यहां पे प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 मान रहे हैं और यहां पे प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 हो जाएगा। अगर टेम्परेचर सेम है तो बॉयल का नियम कहता है कि प्रेशर प्रोपोर्शनल 1/V या PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो PV इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या लिख सकते हैं P1V1 इक्वल टू P2V2, ये चीज लिख सकते हैं। और P1 यहां पे क्लियर किया जाए, P1 कितना होगा, P1 होगा P0 प्लस, अगर ये हाइट H मान रहे हैं तो हो जाएगा H रो G। P2 कितना होगा,
तो पी टू पी नॉट के बराबर होगा, क्योंकि ये सरफेस पर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। यस, तो ये वैल्यू यहां पे पुट किया जाए, तो पी वन के स्थान पे हम लिखेंगे पी नॉट प्लस रो जी स्मॉल एच, हम डेप्थ को एच मान रहे हैं, इंटू वी वन, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पे रेडियस आर है तो यहां पे 2r हो जाएगा, तो हो गया वी वन इज इक्वल टू पी टू के स्थान पे पी नॉट प्रयोग करेंगे, और वी टू के स्थान पे यहां प्रयोग करेंगे, बबूल वहां पे चला गया 4/3 पाई आर के स्थान पे 2r का क्यूब, देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई कैसे, तो पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू आया पी नॉट इंटू 8r³ आया, तो आर क्यूब से आर क्यूब फिर कैंसिल, तो 8p0 में से 1p0 यहां भी है जाके घटेगा, तो हो जाएगा क्या 7p0, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा 7p0 अपॉन रो जी। इस क्वेश्चन में चीज ये कहा है, इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ कॉलम ऑफ वाटर हाइट कैपिटल एच, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए वाटर हाइट एच प्रयोग करना होगा, यहां पर ध्यान दें, तो 7p0 के स्थान पे कैपिटल एच रो जी अपॉन रो इंटू जी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू कितना आया 7h, इस आधार पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो यहां पे टेम्परेचर सेम है, तो यहां से यहां तक जा रहा है, तो P1V1 P2V2 मिल रहा है, तो बॉयल का कांसेप्ट यहां पे आपको लगाना चाहिए। यस, तो बॉयल का कांसेप्ट है पीवी इक्वल टू क्या कांस्टेंट, या P1V1 बराबर P2V2, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। बाई सकिंग थ्रू ए स्ट्रा ए स्टूडेंट कैन रिड्यूस द प्रेशर इन हिज लंग्स टू 750 mm ऑफ एच जी, एच जी की जो डेंसिटी वो दिया हुआ है रो इक्वल टू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यूजिंग द स्ट्रा ही कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए ग्लास अप टू ए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ, आपको बताना है डेप्थ। यस, तो कोई स्टूडेंट है जो कि क्या करता है प्रेशर को चेंज कर देता है, यस, वो खींचकर पाइप के माध्यम से, यहां पे इस टाइप का आपका समझे ये है, ये इस टाइप से सुपरमैन आपका यहां ऊपर है खींचने वाला, यस, तो चेंज इन प्रेशर यहां पे आपको निकालना है, चेंज इन प्रेशर हो जाएगा, स्टूडेंट जो है वैक्यूम नहीं पैदा कर सकता, जब वैक्यूम नहीं पैदा कर सकता तो जाहिर है कि वहां पे चेंज इन प्रेशर निकाला जाएगा, जो बैरोमीटर का प्रेशर होता है वो 760 mm ऑफ एच जी होता है, और ये 750 है, तो चेंज इन प्रेशर यहां पे निकालेंगे 760 mm माइनस 750 mm, ये चीज आपको आना चाहिए ऑफ एच जी। यस, तो आएगा 10 mm ऑफ एच जी, या लिख सकते हैं 1 cm ऑफ एच जी, ये चीज आया। अब यहां पे अगर वैल्यू निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं P इक्वल टू एच रो जी, तो एच आपका 1 हो जाएगा, और पारे का जो डेंसिटी दिया है वो इतना दिया है 13.6 और जी रहने दीजिए, अभी आगे हमें जरूरत पड़ेगा, तो डेल्टा पी के स्थान पे यही हम लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो है वहां पे वैक्यूम नहीं पैदा कर पाएगा, तो ऐसे सवाल में जहां पानी खींचा जाता है ये लंग्स मतलब फेफड़ा इसकी हेल्प से, तो वहां पे वैक्यूम नहीं पैदा हो सकता, तो वहां पे चेंज इन प्रेशर ही हम लोग लिखेंगे, तो यहां पे जो मैक्सिमम डेप्थ आपको मिलेगा चेंज इन प्रेशर अपॉन रो जी, तो रो ये वाटर वाला यहां पे रहेगा, चेंज इन प्रेशर हम लोग निकाल चुके हैं 1 × 13.6 × g अपॉन रो वाटर
ये कितना होता है, वन होता है, सीजीएस में वन होता है, ध्यान दिया जाए। यहां पे हमारा आंसर सीजीएस में है, तो सीजीएस में वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और जी आपका रखा जाएगा, जी से जी कैंसिल, तो जो हमारा आंसर आ रहा है 13.6 सेंटीमीटर। इस आधार पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एस 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दें, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन और हम देते हैं, हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। ए लिक्विड एक्स ऑफ डेंसिटी 3.36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज प्योर्ड इन U2 व्हिच कंटेन्स Hg। अनदर लिक्विड वाई इज प्योर्ड इन लेफ्ट आर्म विद हाइट 8 सेंटीमीटर। अपर लेवल ऑफ एक्स एंड वाई आर सेम, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाई। तो ये आपको फिगर दिया गया है, जो ये व्हाइट कलर में दिख रहा है ये सब Hg है, और यहां पे एक्स में एक लिक्विड इंटर कराया गया है और फिर वाई में भी एक लिक्विड इंटर कराया गया। ये हाइट 10 सेंटीमीटर है, इसका हाइट 8 सेंटीमीटर है, यस। और ऊपर का लेवल सेम है, क्वेश्चन में ही कहा है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहां पर भी होगा, सेम लिक्विड सेम लेवल सेम प्रेशर। यहां ए नाम दे देता हूं, यहां बी, तो यहां पे हो जाएगा पी ए बराबर पी बी, प्रेशर सेम हो जाएगा, यस। अब एक्स पे प्रेशर जो होगा वो 10 सेंटीमीटर लिक्विड की वजह से होगा, हां, तो ये हो जाएगा रो जी एच, एच है आपका 10 सेंटीमीटर, तो ए पॉइंट पे तो हो गया। अब यहां वाई पे आइए, वाई पे इतना एचजी हो रहा है आपका, ये एचजी है, ये क्या चीज है, ये आपका लिक्विड है, उसी लिक्विड की डेंसिटी हमसे पूछ रहा है, ये हो जाएगा रो वाई जी एच के स्थान पे 8 सेंटीमीटर प्लस। अब इतना तो पारा हो गया, एचजी हो गया, और 2 सेंटीमीटर ये भी होगा, ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 10 है तो ये भी इस लेवल पे 10 ही होगा, तो ये हो जाएगा रो एच जी गुणे 2 सेंटीमीटर, यस। एक्स वाले की डेंसिटी हमको दिया है कितना, दिया 3.36, आप रखा जाए, ये सब सीजीएस में ही रखना है, यस। तो रो एक्स के स्थान पे 3.36 जी रहने दीजिए और 10 भी रहने दीजिए, देखते हैं। रो वाई आपसे चाहता है इंटू जी इंटू 8 प्लस रो एच, पारे की जो डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और जी इंटू 2 ये रहेगा यहां पे, तो जी देखिए हर जगह से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, इतना ये हो गया। इसमें 10 से प्रोडक्ट करेंगे 33.6 आ गया, यहां पे देखियो इसमें 2 से प्रोडक्ट करके इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर लिए, 2 से प्रोडक्ट कर 2 6 12 के 2 हां से ले 13 26 27 इतना इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर लिए, इधर केवल बच रहा है 8 रो वाई, वाई वाले की यहां पे डेंसिटी केवल हमको मिल रहा है, तो यहां पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो यहां पे आ रहा है 4.6 इतना आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है 8 रो वाई, यहां पे देखिए 8 8 64, तो रो वाई इक्वल टू आ रहा है 0.8 जी अपान सी सी, ये चीज है। इस आधार पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, तो हम समझते हैं विद्यार्थी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये लाइन विशेष आपको ध्यान देना चाहिए, ये सेम लेवल पे यहां प्रेशर सेम हो गया क्योंकि ये एचजी है टोटल, अब ये इसके कारण यहां प्रेशर है, यहां पे 2 प्रेशर है 2 की वजह से आ रहा है, यस। ये लिक्विड अलग डेंसिटी के हैं दोनों, ये तो आपका लिक्विड है कोई जिसका डेंसिटी पूछा है, नीचे तो एचजी है ये हम जानते हैं, ये इतना 2 सेंटीमीटर कितना मिल रहा है, ये एचजी मिल रहा है,
यहाँ पे जो लिक्विड प्रयोग किया गया है उसी डेंसिटी हमें मालूम है और 10 सेंटीमीटर हाइट भी मालूम है, तो ये कंसेप्ट है यहाँ, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।